तो यहाँ आज हम देखेंगे तुम्हारे क्लास 10th का एक्सरसाइज लगभग स्टार्ट होने वाली है, इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना। तो पिछले क्लास में हमने देखा था कि कैसे अगर पॉइंट गिवन है तो तुम प्लॉट कर सकते हो ग्राफ को। अब तुम्हें पॉइंट डायरेक्ट नहीं गिवन होंगे, तुम्हें इक्वेशन गिवन होंगे, उनकी हेल्प से पहले तुम्हें पॉइंट फाइंड करना होगा, तब तुम्हें जाकर ग्राफ ड्रॉ करना होगा, है ना। इससे पिछले प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था, हमें पॉइंट्स डायरेक्ट हम पॉइंट्स लिख दे रहे थे, ऐसे पॉइंट्स लिख दे रहे थे एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स, और तुमसे कह रहे थे चलो यहाँ प्लॉट करो। प्लॉट करने के बाद सभी पॉइंट्स को मीट कराते थे तो एक ग्राफ बन जाता था, स्ट्रेट लाइन। लेकिन अभी क्या करना है, जो तुम्हारी बुक में कैसे गिवन होगा, इस चैप्टर में तुम्हें इक्वेशन गिवन होगा, इक्वेशन से तुम्हें पॉइंट्स फाइंड करने होंगे और फिर पॉइंट से तुम्हें यहाँ ग्राफ ड्रॉ करना होगा। तो देखो जैसे यहाँ पे इक्वेशन गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग करते हैं। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो गिवेन है, तो तुम्हें फाइंड कैसे करना होगा एक्स और वाई। तो भाई तुम्हें बताया गया था ना कि अगर जो एक्स कोऑर्डिनेट हैं, अगर तुम यहाँ पे जैसे लेते हो एक पॉइंट, अगर फोर लेते हो तो फोर के लिए वाई कौन होगा। तो कहते थे ना फोर एक्स एक्सिस पे फोर जाओ, एक्स एक्सिस पे सेवन जाओ, जो भी बोलते थे, फिर वहाँ से वाई पर भी तो जाना होता था, तो फिर वाई कौन होगा, वाई हमें फाइंड करना है। ओके, तो इसी को हम यहाँ से इक्वेशन से फाइंड करेंगे। एक्स प्लस वाई इक्वल्स गिवन है, देन वाई इज इक्वल्स टू लिखेंगे, तो वाई इज इक्वल्स टू लिखना है, दैट मीन्स एक्स को उधर भेजो, इक्वल को उधर भेज दो। तो एक्स को उधर भेजोगे प्लस है, वहाँ जाकर माइनस हो गया, तो ये इक्वेशन बना वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। इसी की हेल्प से तुम्हें वाई फाइंड करते जाना है, और एक्स अपनी मर्जी से कुछ भी ले लो, जीरो वन टू लिया हमने, तो उसके लिए अगर यहाँ पे देखो एक्स की जगह जीरो पुट करते हैं तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, जीरो ही आएगी। अगर यहाँ जीरो रखे तो वाई इज इक्वल टू जीरो नहीं बन रहा है, अगर एक्स की जगह वन पुट कर रहे हो तो वाई कितना बन रहा है, माइनस वन, है ना। अगर एक्स के प्लेस पर यहाँ हम लोग वन पुट कर दें तो वाई कितना बन रहा है, माइनस वन। इसी तरह से देखो अब कैसे बन रहा है वो सॉल्व करके तुम्हें दिखाई देते हैं। चलो ये जो इक्वेशन गिवेन है वहाँ पे जब तुम एक्स के प्लेस पर वन पुट करोगे, माइनस के वहाँ पे लगा हुआ है वन पुट करोगे, तो वाई इज इक्वल्स टू माइनस वन आएगा, तो वाई की वैल्यू माइनस वन। जब यहाँ तुम टू पुट करोगे वाई की जगह पर, माइनस लगा हुआ है एक्स के प्लेस पर, टू पुट किया तुमने तो वाई इज इक्वल्स टू माइनस टू आ गया, तो यहाँ लिख दिया हमने वाई। तो एक्स जीरो रख रहे हो तो वाई जीरो आ रहा है, एक्स वन रख रहे हो तो वाई माइनस वन आ रहा है, एक्स टू रख रहे हो तो वाई माइनस टू रख रहा आ रहा है। ठीक है, ये समझ में आ रही बात, ठीक है। तो यही तुम्हें पुट करके फिर यहाँ हम लोग टेबल बना लेंगे, टेबुलेशन कहते हैं इसे। तो क्योंकि तुम्हें इस करना है, सॉल्यूशन का मेथड है, स्टेप्स हैं तो करने पड़ेंगे, तो ये स्टेप्स ले लिया, टेबल बन गई। अब इस टेबल को देख के ही, अब ये सब भूल जाओ, सिर्फ टेबल में देखो एक्स जीरो वाई जीरो, ठीक है, दो पॉइंट मिल रहे हैं कोऑर्डिनेट, एक्स का जीरो वाई का भी जीरो, वह एक्स का वन वाई का माइनस वन। तो इनको अब तुम जैसा जानते हो यहाँ पे अब प्लॉट करो, इन्हें प्लॉट करो। चलो एक्स के लिए क्या बोल रहा है, जीरो, और वाई के लिए भी जीरो, तो कहाँ मिलेंगे दोनों पॉइंट, एक्स पे जीरो मीन्स कहीं मत जाओ, यहीं रहो, है ना, यहीं पे रहो, और वाई पे भी कहीं मत जाओ, वाई भी यहाँ पे जीरो है, तो यहाँ पे ये पॉइंट एक्स भी जीरो और वाई भी जीरो कहाँ मिला, ओरिजिन पे। अब अगला देखो, एक्स वन है वाई माइनस वन है, तो एक्स पे कितना जाना है, वन जाना है, वन आगे बढ़ना है, एक्स पे वन गए, वाई कितना जाना है, माइनस वन जाना है, वाई ये है ना, तो माइनस वन इस पे किधर होगा, इधर होगा, इधर प्लस होता है, माइनस वन यहाँ पे है, तो एक प्लेस यहाँ पे हम लोग नीचे आ जाएंगे इस जगह पे, तो ये पॉइंट कहाँ मिलेगा, वन एंड माइनस वन, वन से यहाँ लाओगे, माइनस वन से यहाँ लाओगे, यहाँ मीट करा दोगे, तो ये मिला। पिछले लेक्चर में हमने देखा है कि ये पॉइंट्स हमें कैसे फाइंड करने होते हैं, जो गिवन है उधर जाओ। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टू और माइनस टू, इसमें टू जाओ, यहाँ टू जाओ, और वैल्यू क्या आएगी वाई की, एक्स में टू जाने पर वाई कितना आ रहा है, माइनस टू, यहाँ से मिला दो, यहाँ से यहाँ बढ़ो और इसको यहाँ से यहाँ बढ़ाओ, ये मिला पॉइंट, ये पॉइंट मिला। अब तुमसे क्या बताया गया था, इन तीनों पॉइंट्स को क्या करना है, ऑल थ्री पॉइंट्स को हमें मीट कराना है, तो ग्राफ मिल जाएगा।
ये ऑल थ्री पॉइंट्स को यहाँ तुम मीट करा दो, ये ग्राफ मिल जाएगा। थ्री पॉइंट्स को मीट कराओ और ये तुम्हारा ग्राफ बन गया। ये पहले ही बताया गया है ना, तो ये ग्राफ जा रहा है। इसको तुम आगे इधर भी बढ़ा सकते हो और इधर भी, ये ग्राफ मिल गया तुमको। नेक्स्ट इसी तरह इसको देखो, y इज इक्वल्स टू टू एक्स गिवेन है। यहाँ हमें करना नहीं पड़ेगा, यहाँ ऑलरेडी y इज इक्वल्स टू गिवेन है। जहाँ भी तुम्हें पॉइंट्स फाइंड करने हैं तो y इज इक्वल्स टू बनाना पड़ेगा। यहाँ नहीं बना था तो हमने y इक्वल बनाया, यहाँ तो ऑलरेडी बना हुआ है y इक्वल, तो तुम्हें डायरेक्ट x की वैल्यूज़ अपनी मर्जी से कुछ भी पुट करनी है। जो तुम अपनी मर्जी से पुट करोगे y वो वैल्यूज़ बताएगा, ठीक है। तो चलो, अगर तुम जीरो पुट करते हो x की जगह पर तो y कितना बताएगा बताओ। अगर सॉल्व कर देते हैं तुम लोग समझने के लिए, 2 इंटू एक्स की जगह हम क्या रखें, ज़ीरो, तो क्या बन जाएगा ये, ज़ीरो, y ज़ीरो आ जाएगा। तो देखो लिखा भी है, x अगर ज़ीरो रखोगे तो y भी ज़ीरो आएगा। वन यहाँ रखोगे तो x कितना आएगा, रख के देखो। अगर x के प्लेस पर वन रखोगे फॉर्मूले में तो y कितना आएगा, टू आएगा। देखो यहाँ लिखा भी है, अगर तुमने x वन रखा तो y टू होगा। x के प्लेस पर अब क्या रखें, माइनस वन, माइनस वन रख के देखो। अगर तुम माइनस वन रखते हो तो y इज इक्वल्स टू माइनस टू बनेगा, यहाँ लिख दिया गया, ठीक। अब इसको टेबल में रख लो, टेबुलेशन कर लो, तो ये पॉइंट्स मिल गए। अब इन पॉइंट्स को यहाँ प्लॉट करो। चलो ज़ीरो ज़ीरो, वन टू, ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो तो यही पॉइंट है, ज़ीरो ज़ीरो हमेशा ओरिजिन पे है ना, एक्स भी ज़ीरो वाई भी ज़ीरो, एक्स वन है वाई टू है। एक्स वन यहाँ गए, वन पे गए और वाई पे प्लस टू, मीन्स इधर जाना है। तो ये रहा ना, ये पॉइंट है, ये है ना, इन दोनों को हमें मिलाना है। वाई को कहाँ तक लाना है, टू से एक्स के वन तक, तो ये दोनों यहाँ मीट हुए, एक ये पॉइंट हमें मिला। अगला, एक तो ये ज़ीरो ज़ीरो मिला है और एक ये मिला है। नेक्स्ट वन और माइनस टू, एक्स कितना लिया हम लोगों ने, माइनस वन लिया है ना, एक्स माइनस वन लिया है, तो वाई भी आ रहा है। देखो एक्स की जगह माइनस वन रखो, वाई इज इक्वल्स टू टू इंटू माइनस वन, कितना आएगा, माइनस टू, यहाँ लिखा हुआ है। तो चलो इसको रखो, अगर हम वाई लेते हैं माइनस वन, एक्स मीन्स इधर जा रहे हैं, माइनस वन ये है, तो वाई कितना है, माइनस टू, डैट मीन्स यहाँ पे इस जगह पे, तो यहाँ से हमको माइनस टू तक आना है। जहाँ दोनों मीट हो रहे हैं x और y कोऑर्डिनेट, वहीं पे हमें ये पॉइंट मिल गया। तो वन टू थ्री, ये थ्री पॉइंट्स मिले, इन्हीं थ्री पॉइंट्स को हमें मीट कराना है। तो थ्री पॉइंट्स को मीट करा दिया और ये ग्राफ हो गया स्ट्रेट लाइन, फिर से हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल गई। तो इस तरह से हमारा ग्राफ एक और बन गया, ठीक है। इस तरह से ये ग्राफ है, ये ग्राफ कहलाएंगे। थर्ड वाले में देखो, y इज इक्वल्स टू टू एक्स प्लस फोर, तो यहाँ पे टू एक्स प्लस फोर है, तो x पे देखो क्या रखोगे, x पे सॉल्व करके दिखा देते हैं तुम्हें। y इज इक्वल्स टू टू एक्स प्लस फोर, अब x के प्लेस पर तुम्हें अपनी मर्जी से ये वैल्यूज रखनी है। देखो मैंने ज़ीरो लिया है, माइनस टू लिया है, माइनस वन लिया है, इसलिए लिया है कि देखो अगर ज़ीरो रखोगे तो ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा, डायरेक्ट फोर आएगा, है ना। अगर यहाँ पे तुम x के प्लेस पर जब ज़ीरो रखने जाओगे तो ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ फोर, तो इजी वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह से जब तुम माइनस टू रखोगे अगर, तो ये देखो यहाँ रखा गया है, ज़ीरो रखा तो फोर आया, माइनस टू अगर यहाँ रखोगे तो देखो टू इंटू माइनस टू प्लस फोर, दोनों ये मल्टीप्लाई होकर क्या बना, माइनस फोर बना, और यहाँ प्लस फोर है, तो कैंसिल होकर क्या हो गया, ज़ीरो आ गया। तो वाई कितना आ गया, ज़ीरो आ गया। देखो माइनस टू रखने पर वाई ज़ीरो मिल गया, सिंपल इजी वैल्यू मिल रही है। यहाँ से हमें समझ में आ रहा था ना, अगर यहाँ नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो इसके साथ माइनस हो जाएगा, तो छोटा ही तो आएगा, इसलिए हमने नेगेटिव लिया। अब माइनस वन ले लो, तो टू वन ज़ा माइनस टू बनेगा कि नहीं, अगर यहाँ तुम माइनस वन रखते हो तो एक्स के प्लेस पर क्या लिख रहे हो, माइनस वन, तो और यहाँ प्लस फोर, तो मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, माइनस टू प्लस फोर, फिर से सेपरेट हो जाएगा तो प्लस टू आ जाएगा। तो माइनस इसलिए ले रहे हैं कि वैल्यूज़ छोटी आए, तुम कुछ भी ले सकते हो। तो ये आ गया माइनस वन, सारे पॉइंट्स मिल गए। अब इनको प्लॉट करना है यहाँ पे, जैसे अभी तक करते आए हो वैसे इसको कर लो।
मेन हमें क्या था, अब तो पॉइंट प्लॉट करना तो समझ ही गए हो, बार बार हम क्या इसमें करें, टाइम खराब होगा। बस यहाँ पे तुम्हें वैल्यू क्या लेनी है, इसलिए हमने ये 5 एग्जांपल्स लिए हैं। तो ये तो नॉर्मल हैं, बहुत सिंपल हैं, कैसे सॉल्व करना है। अब ये देखो थोड़ा सा अलग हुआ, जब अपॉन में आ जाए तो हम कैसे पॉइंट्स को सेलेक्ट करें, यही समझना है। ग्राफ तो तुम समझ गए हो ना, चलो इनका कर देते हैं, समझा के ग्राफ भी बना देते हैं। तो देखो एक्स प्लस टू वाई यहाँ गिवेन है, तो हमें क्या करना होगा, y इक्वल्स टू करना होगा, क्योंकि देखो यहाँ तो y इक्वल्स ऑलरेडी गिवन है, यहाँ भी y इक्वल ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे y नहीं गिवन था तो हमने y इक्वल बनाया, x उधर ले गए ये बना। वैसे ही यहाँ पे भी देखो y इक्वल डायरेक्ट नहीं गिवन है, तो हमें क्या करना होगा, y इक्वल बनाना होगा। तो क्या करोगे तुम, पहले x को उधर भेजोगे, चलो यहाँ समझा देते हैं, x प्लस टू वाई इक्वल सिक्स लिखा हुआ है, तुम्हें बनाना क्या है, y इक्वल्स टू बनाना है ना, y इक्वल, तो यहाँ पहले x को भेजो, 2y उधर 6 है, ये प्लस है, यहाँ जाकर माइनस हुआ, अब 2 को उधर भेजना है, यहाँ मल्टीप्लाई है तो 2 उधर जाकर क्या करेगा, डिवाइड कर देगा, तो ये बनेगा इक्वेशन, है ना, 2 यहाँ मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड। अब तुम्हें इसमें पुट करना है, तो यही सोचना है कि हम कैसी वैल्यू पुट करें कि ईजी आए। अब तुम्हें लग रहा है ना यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा, तो यहाँ अपॉन कहाँ ढूंढेंगे, अगर हम x की वैल्यू यहाँ 3 ले लेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ अगर तुम x की जगह पे 3 लेते हो तो बताओ क्या बनेगा, y इज इक्वल्स टू 6 माइनस x की जगह पर 3 अपॉन 2, तो 6 में से 3 जाएगा 3 आ जाएगा अपॉन 2, तो y की वैल्यू 3 अपॉन 2 आएगी। इसको कहाँ तुम ढूंढोगे y एक्सिस में, इसमें तो कहीं लिखा ही नहीं है y अपॉन 2, 3 अपॉन 2, तो प्रॉब्लम होगी। इसलिए हम लोग ऐसी वैल्यू रखेंगे कि यहाँ इजी वैल्यूज आए y की भी, तो थोड़ा सा यहाँ सोचना पड़ेगा, बताओ क्या रखें कि y की इजी वैल्यू आए। देखो बहुत समझ में इजीली आ रहा है, यहाँ पे अगर x पे हम लोग 2 रखते हैं तो 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा, 4 को 2 डिवाइड करेगा तो 2 आ जाएगा, है ना, तो ऐसे सोच के करना होगा, कोई भी वैल्यू रख दोगे तो अपॉन में आ जाएगी, तो थोड़ा सा समझदारी से करो, क्योंकि तुम्हें मालूम है अपॉन में 2 है तो ऊपर ऐसा नंबर बनना चाहिए जो 2 से डिवाइड हो जाए, है ना, तभी तुम सही नंबर ला पाओगे। तो 2 से डिवाइड कैसे होगा भाई, 6 में से 2 माइनस करवाओ तो 4 आएगा, और 6 में से क्या माइनस कराओ, और क्या करा सकते हो, 0, 6 में से 0 जाएगा 6 आएगा, उसको भी 2 डिवाइड कर देगा तो फिर से सिंपल नंबर आएगा, और क्या करेंगे हम लोग, 4 माइनस कर दो, 6 में से 4 जाएगा 2 आएगा, और नीचे 2 है तो क्या करेगा, कैंसिल करा के 1 ले आएगा, फिर से y बराबर 1 मिल जाएगा। तो ऐसे नंबर्स लेने हैं कि जो 2 से डिवाइड हो जाएं, समझ में आई बात, इतना कर सकते हैं हम लोग। तो वही नंबर्स यहाँ लिए गए हैं, देखो पहले हमने क्या लिया, 0 ले लिया, तो यहाँ 0 ले लोगे तो ये 6 आएगा, और यहाँ पे 2 बचेगा, है ना, x की जगह पे अगर तुम 0 लोगे तो ये 6 ही तो आएगा, 6 अपॉन 2, 2 3 जा 3 आ जाएगा, तो देखो y की वैल्यू 3 आई है। फिर और क्या ले लें, 2 ले लो, x के प्लेस पर 2 ले लो, तो 6 माइनस 2 बाई 2, 4 बाई 2, कैंसिल करोगे 2, देखो y की वैल्यू 2 आई। अब क्या ले रहा है, देखो 6 के प्लेस पर, x के प्लेस पर देखो 4 लिया जा रहा है, x की वैल्यू 4, 4 लेने से क्या होगा, 4 लेने से होगा 6 में से 4 माइनस अपॉन 2, दैट इज 2 अपॉन 2, कैंसिल करोगे 1, तो 2 y की वैल्यू 1 आ गई। इसको टेबुलेशन कर दिया, टेबल बना दिया, अब इसी टेबल से हम लोग पॉइंट्स को लेकर यहाँ पर ग्राफ प्लॉट कर देंगे, ठीक है। तो चलो एक ग्राफ इसका प्लॉट कर देते हैं, तो बताओ x कितना है, x यहाँ पर 0 है, y 3 है, तो x पे 0 रहना है और y पे कितना जाना है, प्लस 3, प्लस 3 कहाँ है, ये रहा, यही तो बताया गया था, x पे जाओ और वहाँ से y की तरफ बढ़ो, तो ये बढ़ा, तो पहला पॉइंट यहाँ मिला। नेक्स्ट पॉइंट 2 2, एक्स पर 2 जाओ और वाई पर भी 2 जाओ, तो वाई पर 2 कहाँ है, इस जगह है, इस लाइन को आगे बढ़ाया और वाई से एक्स से वाई की तरफ उस गए, ये मिला, तो ये पॉइंट मिल गया हमको, है ना, ठीक है भाई। जो कहा जाए अगर एक्स 2 है तो 2 पे जाओ और 2 से वाई की तरफ 2 जाओ, तो ये गए 2 पर और 2 से वाई की तरफ कितना जाना है, 2 जाना है, तो ये 2 यहाँ है, यहाँ तक गए, ये पॉइंट मिला। नेक्स्ट पॉइंट x पे कितना, 4, तो y कितना मिलेगा, 1, तो x पे 4 जाओ, ये रहा 4,
वाई पे कितना, वन, वन कहाँ है, ये रहा वन, तो यहीं तक तुमको इसको ले जाना है। और फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और जहाँ ये सब मीट करे वहीं पर तुम्हारा ये पॉइंट होगा। इन सारे पॉइंट्स को मीट करा दो, ये पॉइंट मीट करा दो, तो ये लाइन हो गई, ये ग्राफ बन गया, ये हम लोगों का ग्राफ बन गया। इसी को कहते हैं हमने क्या किया, ग्राफ ड्रॉ किया। ठीक, चलो सीधा जाएगा यहाँ से, ये ग्राफ ड्रॉ किया। इसी तरह तुम्हें ग्राफ ड्रॉ करने हैं, क्योंकि इस चैप्टर में तुम्हें इक्वेशन बनाना होगा, इक्वेशन को तुम्हें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना होगा, उसके लिए तुम्हें ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ये समझ में आया। अब देखो इससे थोड़ा सा और डिफिकल्ट आया, अगर यहाँ तुम, ये क्या है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस गिवन है, तो तुम अब देखो सी की ऐसी वैल्यू लो कि एफ के इजी नंबर्स आए। देखो सब अपॉन में है, अगर तुम सी की 1, 2, 3 ले लोगे तो सब अपॉन में आ जाएगा, तो कहाँ मिलेगा एफ, जिस तरह से यहाँ वाई को ले रखे हो उसी तरह यहाँ पर क्या है, एफ है फ़ारेनहाइट। तो इस एक्सिस पे हम लोग एफ को दिखाएंगे, 9th में सीखा है, और इस एक्स एक्सिस पे हम लोग सेल्सियस को दिखाएंगे। तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में ये रिलेशन है, इससे मतलब नहीं है ये क्या लिखा हुआ है, इधर वाले को वाई एक्सिस पे लेंगे और इधर वाले को एक्स एक्सिस पे लेंगे। ठीक है, तो देखो अगर तुम यहाँ पे 1, 2 रखोगे तो बहुत ऐसा नंबर बनेगा फ्रैक्शन में जो कि यहाँ पे मिलेगा नहीं, तो क्या ले यहाँ पर हम जो इजी नंबर बने। तो देख लो अगर ये 9/5 है, इजी नहीं बनेगा अगर तुम 1, 2, 3 कुछ भी ले लोगे, तो 9/5 इंटू सी की जगह पर अगर तुमने मान लो 1 ले लिया प्लस 32, तो बताओ कितना बना, ये वंजा यही आएगा, 9/5 प्लस 32, लो मुसीबत हो गई। इतना तुम प्लस करोगे ये नंबर कहाँ मिलेगा तुम्हें वाई एक्सिस पे, फ्रैक्शन में ऐसा कुछ करो कि फ्रैक्शन ना आए। तो तुम्हें समझना होगा थोड़ा सा, तो देखो यहाँ अपॉन में 5 है और ये सी इंटू है ना, 9/5 उसके साथ इंटू कौन है, सी है, तो यहाँ ऐसा नंबर लो जो 5 से डिवाइड हो जाए तो ईजी हो जाएगा। तो जैसे तुमने ले लिया मान लो यहाँ पे 5, तो अगर तुमने यहाँ 5 ले लिया तो 5 वन ज़ा 5 वन ज़ा कैंसिल हो गया, तो 9 बचा है ना, तो 9/c की जगह क्या बचेगा, चलो यहाँ दिखा देते हैं, f इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। अब चलो अगर हमने 5 लिया c की जगह पर 5 लिया प्लस 32, ये कैंसिल हुआ, तो क्या बचा, 9 प्लस 32, फ्रैक्शन नहीं आ रहा है, इजी हो गया। 9 2 कितना हो गया, ये 41, लेकिन ये काफ़ी बड़ा नंबर आ रहा है, अब इतना बड़ा नंबर भी यहाँ नहीं है। तो देखो और स्मार्टली थोड़ा काम करो, हमने क्या लिया है, देखो सी की जगह पर -10 लिया और -15, ऐसा करने पर क्या होगा, ऐसा करने पर इजी हो जाएगा, छोटा नंबर हो जाएगा। देख लो कैसे 9/5 कर रहे हो और उसके साथ तुम सी के प्लेस पर अगर -10 लेते हो तब देखो क्या होगा, -10 लिया प्लस 32, 5 वन ज़ा 5 टू ज़ा, अब क्या बचा बताओ, 9 × 2 − 2 क्या आएगा, 9 को -2 से करोगे तो -18, और -18 प्लस 32, अब बताओ ये माइनस ए प्लस से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना आएगा, 14 आ जाएगा, छोटा नंबर हो गया। इसलिए हमने क्या लिया था, -10 लिया था, माइनस लेने से क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है, आसान हो जा रहा है, तो क्या आ गया, माइनस सब्ट्रैक्ट किया तो 14 आया, प्लस 14। इसी तरह से अब क्या रखें, देखो -15 रख रहे हैं, उससे देखो 5 आ जाएगा, छोटे छोटे नंबर्स आ रहे हैं, तो चलो 15 रख के एक बार चेक कर लो, तो 9/5 इंटू -15 प्लस 32, अब इसको कैंसिल करो, 5 वन ज़ा 5 थ्री ज़ा, तो 9 − 27 होगा कि नहीं, -3 से -27 प्लस 32, अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, प्लस 5 आएगा, तो ये प्लस 5 ईजी नंबर मिल गया, है ना। तो इस तरह से हमें समझदारी से थोड़ा काम करना है। अब चलो इन वैल्यूज को पुट कर लो, क्या क्या, -10 के लिए क्या आ रहा है, देखो -10 के लिए एफ कितना आ रहा है, 14 आ रहा है, तो चलो इसको बनाते हैं, -10 के लिए एफ 14, तो पहले -10, सी मीन्स एक्स, -10 यहाँ जाओ, -10 ये रहा, -10 यहाँ से कहाँ जाना है, 14 पर जाना है,
प्लस 14, तो माइनस 10 से 14 देखो कहाँ है, ये रहा माइनस 10, यहाँ से 14, 1 2, ये 12 13, यहाँ मिलेगा कहीं 14। तो इसको और इसको मीट कराना है, इसको कहाँ तक लाना है, इसको यहाँ ले जाना है सामने 14 तक, और फिर यहाँ से इसको लाना है, दोनों जहाँ मीट करेंगे वहीं पे तुम्हें पॉइंट मिलेगा। लेट यहाँ मीट कर रहे हैं इस जगह पे, तो एक पॉइंट हमें कौन सा मिला, ये माइनस 10 और 14 मिला, जहाँ पे ये मीट करते हैं पॉइंट वहीं होता है, ठीक है, जो कोऑर्डिनेट जहाँ पे मीट करते हैं पॉइंट वहीं पर होता है, कल वाली वीडियो में बताया गया है। चलो अब क्या करें, सी कितना ले, माइनस 15, तो वाई कितना आ रहा है प्लस 5, माइनस 15 इधर है देखो, 12 13 14, यहाँ पे 15, यहाँ पे आ रहा है माइनस 15, इसके लिए वाई कितना आ रहा है प्लस 5, तो प्लस 5 कहाँ है, ये रहा, इसको तुम प्लस 5 तक ले जाओ, प्लस 5 वाली यहाँ से ड्रॉ करो, ये ड्रॉ हुआ, और ये 15 से इसको मीट करा दो, ये जहाँ मीट करेंगे यही पॉइंट कहलाएगा तुम्हारा, मिल गया दोनों, ये दो पॉइंट मिल गए, थ्री पॉइंट की ज़रूरत नहीं है, अब इन दोनों पॉइंट्स को तुम मीट कराओ और तुम्हारा ग्राफ यहाँ पे आ गया, तो ये ग्राफ आ रहा है, दोनों पॉइंट्स को मीट कराओ, ये रहा ग्राफ, ये आगे जाएगा, आगे तक इसको ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से तुम्हें ग्राफ ड्रॉ करने हैं। अब हम लोग अब तुम्हारे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स अब लगा सकते हैं हम लोग, क्योंकि पहले ग्राफ जानना ज़रूरी था, मैंने उन बच्चों के लिए ये वीडियो बनाया है जो नहीं अभी तक बिल्कुल भी नहीं जानते, इसलिए इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज़ चैप्टर स्टार्ट करना हो तो तुरंत ही हो जाएगा, बट उन सभी बच्चों के लिए जो बिल्कुल अभी जानते ही नहीं है, 6th 7th 8th की चीज़ें भी नहीं पढ़े हैं, तो उनको पहले जानना ज़रूरी था, इसलिए ये सब बताया गया, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बेसिक है इस चैप्टर का। तो अब हम लोग तुम्हारा एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, और उसका कॉन्सेप्ट क्या है इस चैप्टर में, जो जो बोलेगा वो अब बोलेगा ना कि दो लाइन पैरेलल हैं, दो लाइन पैरेलल हैं तो वो उनके कितने सॉल्यूशन होंगे, दो अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनके कितने सॉल्यूशन होंगे, तो वो बातें समझ में नहीं आती अगर हम ग्राफ नहीं ड्रॉ करते। तो अब हम तुम्हारे चैप्टर के जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो बताएंगे और न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, ओके चलो।